राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मूर्ति विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से दो युवक की मौत, पांच लोग झुलसे। बलिया में बैरिया थाना क्षेत्र के पूर्वी भवन जयप्रकाश नगर टोला गांव में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले जाते समय साउंड बॉक्स में हाई टेंशन तार के स्पर्श होने से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे दो युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं पांच लोग गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ले जा रहे थे विसर्जन के लिए? भवन टोला। कहाँ ले जा रहे थे आप लोग? जा रहे थे मूर्ति विसर्जन करने। उसके बाद 11 बजे के लाइन के तार था, उसमें कल से लाइन नहीं आ रहा था रात से। उसके बाद एक लाइट लाइन आ गया, साउंड बॉक्स था जो चुंगा बना हुआ था, लाइन आ गया, सब लोग बोलने लगे, लाइन मार दी। उसमें कितने लोग घायल हैं? 6 लोग। और एक्सपायर कितने हुए हैं? लड़के दो लड़के हैं। सावन करने के लिए जा रहे थे, बस फट हो गया, टाली में बैठे थे, लग गया। तो कितने लोग घायल हैं? 2 हैं, 4 घायल हैं। 4 लोग बलिया में हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितने लोग आए हुए यहाँ पे? 4। सर, बैरिया क्षेत्र में क्या मामला हुआ था? सर, ग्राम भवन टोला जयप्रकाश नगर के लोग सरस्वती पूजा में मूर्तियाँ रखे हुए थे, उसमें ले जा रहे थे विसर्जन करने के लिए। रास्ते में विद्युत स्पर्शाघात से करंट लगने से 2 लोग मर गए, बच्चे थे, और 4 लोग घायल हो गए थे। घायलों की स्थिति ठीक है। पेश है बलिया से अखिलेश सैनी संघ नवल जी की खास रिपोर्ट।